आज हम करेंगे बच्चों 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें दो मैट्रिक्स दी हुई हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं, 4, 3, x5, y, z, 1, 5। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे बच्चों, तो ये 4 = y हो जाएगा, 3 = z हो जाएगा एंड x = 1 हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा है, तो हमारा आंसर जो क्लियर है x = 1, y = 4 एंड z = 3। सेकेंड क्वेश्चन भी हमारे यही सेम मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसमें x + y = इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 6, 5 + z का 5, xy का 8। तो x + y = बच्चों 6 है, तो हम x को इधर ले गए हैं, तो y = 6 - x हो गया। y की वैल्यू हमने xy = 8 में पुट कर दी बच्चों, तो ये हमारा आ गया। इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई। इसके हमने फैक्टर किए बच्चों, तो हमारे पास ये आ गया x - 4, x - 2 = 0। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिली बच्चों, x = 4 एंड 2। अब इन दोनों वैल्यू से हम आगे क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y = हमारा 6 - x था, पहले ही हमने निकाल चुके हैं, तो x की जगह पर हमने 4 रखा तो y 2 आ गया बच्चों। और जब x की दूसरी वैल्यू जो 2 आई थी वो हमने रखी, तो y का मान 4 आ गया। तो y = 2 एंड 4, दो वैल्यू आई है y की, 2 एंड 4। ऑल्सो 5 + z = 5, ये भी हमारे पास मैट्रिसेस में आया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट करने से। तो यहाँ पर 5 + का है तो जाके माइनस हो जाएगा बच्चों, तो z = 0 आ गया। तो x = 4, y = 2 एंड z = 0। और सेकंड वैल्यू क्या आई बच्चों, x = 2 है, तो y = 4 है और z = 0 है। इसी के बाद 6 का थर्ड पार्ट है, उसमें भी मैट्रिसेस गिवन है बच्चों। इस मैट्रिसेस में क्या है कि एक ही कॉलम है, रो 3 है लेकिन कॉलम 1 ही है। तो इसमें भी हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे बच्चों, तो x + y + z = 9 हो जाएगा, x + z = 5 हो जाएगा, y + z = 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया है, x + y + z, ये हमारा y + z = 7 है, तो इसे हमने पुट कर दिया 1 में। तो यहाँ y + z की जगह पर हम 7 लिख सकते हैं बच्चों, तो 7 को हम ले गए हैं राइट पर, तो 9 - 7 = 2 हो गया। x = क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। x = 2 को हमने इक्वेशन 2 में पुट किया बच्चों, इसमें, तो यहाँ पर आ गया x की जगह पर 2 आ गया बच्चों। 2 को हम इधर ले जाएंगे तो 5 - 2 = 3 आ गया। तो यहाँ से हमारी z की वैल्यू 3 आ गई। z की वैल्यू 3 को हमने इक्वेशन 3 में पुट किया, तो y + 3 = 7। तो यहाँ y = क्या हो जाएगा, 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y = 4। तो यहाँ से हमारी x, z और y तीनों की वैल्यू जो हमारी हमने फाइंड आउट कर ली। इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। 7 में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC एंड D फ्रॉम द इक्वेशन। सेम वही हमारा पहले की तरह प्रोसीजर है, इसमें मैट्रिक्स गिवन है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वेट करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी a11 जो है हमारा a-b है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी इस मैट्रिक्स का a11, तो a-b = -1, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने इनको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट किया है, तो a-b = -1, 2a-b = 0, 2a+c = 5 एंड 3+c+d = 13। तो यहाँ से हमने पहले इसको एलिमिनेशन मेथड लगा करके, विलोपन विधि जिसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों, हमने क्या किया है, एक एलिमेंट का विलोप कर दिया है, उसे एलिमिनेट कर दिया है। तो हमारे पास यहाँ a की वैल्यू हमारी आ गई 1 आ गई प्लस की, तो a की वैल्यू हमने क्या किया है, यहाँ सेकंड इक्वेशन में हमने पुट कर दी, तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद में c की वैल्यू 3 आई है, तो c की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारी d की वैल्यू आ गई। उसके बाद में a-b = -1, तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 1, तो b की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि a, यानी ये कोई मैट्रिक्स है a = aij, यानी उसके एलिमेंट्स हैं aij, जिसका ऑर्डर है m×n, इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्क्वेयर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बच्चा, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, हमेशा इक्वल होते हैं। इफ़ a जो है, इसमें क्या कह रहा है कि m जो है वो लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमें बताना है बच्चों, तो इनमें से सही आंसर कौन सा है, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, स्क्वेयर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो हमेशा इक्वल होते हैं। तो फॉर ए स्क्वेयर मैट्रिक्स m = n, हमेशा हम और n जो होता है वो इक्वल होता है, तो पार्ट सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज कम्प्लीट। इसके बाद में आता है बच्चा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल।
अब इन दोनों मैट्रिसेस को सिक्स क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ था और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया उसने कि एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हो जाएंगी। तो उसके लिए ए है हमारा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट थ्री, ये वाई इज इक्वल टू सेवन, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। सी वाई इज इक्वल टू सेवन, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। एंड डी है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट थ्री, वाई इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो हमने इसको बोल दिया मैट्रिसेस ए और इसको हमने नाम दे दिया मैट्रिसेस बी, मैट्रिक्स ए और बी। तो अब हमें कह रहे हैं कि ए और बी तो इक्वल है, इक्वल कब होंगे, इफ जब थ्री एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है बच्चों, वाई प्लस वन इज इक्वल टू एट होगा, फाइव इज इक्वल टू वाई माइनस टू होगा, एंड टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो थ्री एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस सेवन बाई थ्री आ गई। फाइव इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू, सॉरी ये जेड नहीं है, टू है, तो ये वाई माइनस टू है, तो वाई की वैल्यू यहाँ से टू माइनस कर जाके प्लस हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू सेवन हो गया। वाई प्लस वन इज इक्वल टू एट है बच्चों, तो यहाँ वाई इज इक्वल टू सेवन हो गया। टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी आ रही है बच्चों माइनस टू बाई थ्री, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस सेवन बाई थ्री और यहाँ आ रही है माइनस टू बाई थ्री। हेयर एक्स हैज़ टू वैल्यू, एक्स की दो वैल्यू आ रही है बच्चों माइनस सेवन बाई थ्री एंड माइनस टू बाई थ्री, नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आने की वजह से हम एक्स और वाई को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि पार्ट बी इज़ करेक्ट, यानी कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर नाइन इज कम्प्लीट बच्चों। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर टेन, 3.1 का क्वेश्चन नंबर टेन है बच्चों। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विच विद ईच एंट्री 0 और 1 ए इज इक्वल टू 27, 18, 81, 5, 12। इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि अगर किसी मैट्रिक्स से नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर जो 3x3 की जो मैट्रिक्स होंगी, तो इस तरह की कितनी मैट्रिक्सेस जो है वो पॉसिबल हैं। पॉसिबल का मतलब यह है कि अब 3x3 मैट्रिक्स है तो उसमें कितनी तरह की मैट्रिक्स हम बना सकते हैं जिसमें 3 रोज होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो कह रहे हैं देयर आर 9 एंट्रीज जिसमें विद एंट्री 0 और 1, मतलब कि 0 और 1 की ही एंट्री होगी, एलिमेंट जो है वो 0 और 1 ही रख रहे हैं। तो हम किस तरह से उसको अलग अलग तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं कि अलग अलग तरह के अरेंजमेंट करके कितनी मैट्रिसेस जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं। देयर आर 9 एंट्रीज, तो हमारे पास अगर 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं बच्चों, तो 9 एलिमेंट हो गए हमारे पास जिसमें जिन्हें हमें जो हमारे सिर्फ 0 और 1 ही हैं, मतलब कि 0 और 1 को ही हमें अलग अलग जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो 3x3 मैट्रिक्स में रखना है। तो इन 3x3 मैट्रिक्स ईच प्लेस कैन बी फिल्ड विद और 0 और 1, हर जगह पर हमें 0 और 1 को ही रखना है। तो 9 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन, तो हमें पॉसिबिलिटी निकालनी है बच्चों। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पावर n, तो 2 हमारे एलिमेंट कितने हैं 9, तो 2 पावर 9 हो जाएगा बेटा। तो 2 को 9 बार लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 512 वेज नंबर ऑफ ईच सच मैट्रिसेस। तो ऐसी मैट्रिसेस के कितनी संख्या हो सकती है बच्चों, 512 मैट्रिसेस इस तरह की बन सकती हैं। तो पार्ट डी इज करेक्ट आंसर, पार्ट डी इज करेक्ट आंसर। थैंक यू बच्चों।